फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट टेक, जो कि आपके फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फ़ोन को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन फ़ोन को लॉक हटा रहा है या फिर जो है फ़ोन को खोल रहा है, तो उसको जान सकते हैं आप उस ऐप के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उस ऐप का नाम है आपका WTMP। क्या करना है आपको? WTMP प्ले स्टोर पर आइए, यहाँ आपको सर्च करना है WTMP लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने जो ये ब्लैक कलर का आइकन वाला जो ऐप आएगा, इसको क्या करना है आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, मात्र जो है कि 2.9 MB का है, मात्र सेकेंड्स में भी इंस्टॉल हो जाता है। कुछ सेकेंड्स में ये आपका ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो देखिए, हमारा जो है कि डाउनलोड होकर के इंस्टॉल होने लगा और इंस्टॉल भी हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो आया। आपको क्या करना है, स्क्रॉल कर लेना है, फिर से स्क्रॉल, ठीक है, ये बता रहा है। तो आप स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, फिनिश। ठीक है, फिनिश किया, देखिए आपके सामने इस तरीके से विंडो आई। ठीक है, इस विंडो में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पावर बटन पर क्लिक करना है। पावर बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो पावर बटन पर आप क्लिक करें और देखिए आपके सामने पूछ रहा है एसएस टू द कैमरा इज रिक्वायर्ड टू सेव रिपोर्ट्स फ़ोन। तो फ़ोन का जो है कि आप कैमरा यूज करने की परमिशन मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे, इसके बाद अलाउ कर देंगे। उसके बाद यूजेस एसएस के लिए भी मांगेगा परमिशन, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ओके करना है। इसके लिए भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने जो है इस तरीके से खुलता है। इसमें जो है आपको इसको परमिशन देना होगा, एक्सेस देना होगा। तो आपका नॉट अलाउड है, इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से आप करेंगे अलाउ एसएस टू द यूज रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको अलाउ करके आप बैक आ जाएंगे ऐप पे। अब देखिए इस तरीके से आपका ऐप जो है ये खुल चुका है। आप यहाँ चाहे पावर ऑफ कर सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे पावर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। सामने स्क्रीन से मैंने हटा दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन को लॉक करना है, स्क्रीन को आपको लॉक करना है। चलो मैं स्क्रीन लॉक कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने क्या किया, स्क्रीन लॉक करके फिर से जो है खोला। इसे से अगर आप स्क्रीन लॉक करके छोड़ देते हैं फ़ोन और कोई और लॉगिन करता है, तो क्या होगा, आपके सामने जो ये ऐप आपने ओपन किया था, इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने दिखा रहा है किस टाइम पे फ़ोन अनलॉक हुआ है, किस टाइम पे ये फ़ोन अनलॉक हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा किस टाइम पे अनलॉक हुआ है। उस पर टैप करेंगे, जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके सामने पिक्चर भी इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से पिक्चर भी आपको दिखाई देगा कि किसने अनलॉक किया, आपके सामने डिटेल दिखाई देगा। तो आप जान सकते हैं किस टाइम पे आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है और किसने अनलॉक किया, उसका पिक्चर भी आपके सामने दिखाई देगा। अगर उसने सामने फेस के सामने रख करके अगर उस फ़ोन को ओपन किया, तो उसका जो है कि फेस भी आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और बाकी आपको टाइम तो मिल ही जाएगा कि टाइम कितने टाइम पे, किस डेट पे, किस टाइम पे जो है आपका स्कूल फ़ोन को अनलॉक किया गया है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कोई आपके फ़ोन को कब जो है कि लॉगिन किया है, कब जो अनलॉक किया है, अगर आप फ़ोन कोई और यूज करता है तब के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।